वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम रिवीजन के टॉपिक के अंदर सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 पे जा रहे हैं। चलो हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, ऐसा वर्ड था ना आपके पास। कभी कभी क्या हो जाता है कि जब ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको समझ में नहीं आता है, इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जिसमें से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चों को ये नहीं पता रहता कि ये हेलो क्या है। हेलो मीन्स हो जाता है हेलोजन, और हेलोजन होते हैं ग्रुप 17 के FCl BrnI। और दोस्तों इसीलिए ये जो है उसी को ही हेलोजन बोला जाता है। रेडी दोस्तों? यस। अब दूसरा वर्ड आया अल्केन। तो जनरली R-H को अल्केन बोला जाता है, उसी में से अल्काइल बनता है तो R- को बोला जाता है। एरिन मतलब AR मतलब C6H6 हो जाएगा, है ना? लेकिन उसी में से ही फिनाइल हो जाएगा -AR, मतलब AR के साथ कुछ जुड़ेगा तो C6H5-, या आगे पीछे कहीं पे भी डैश लगा सकते हो आप लोग कोई एक साइड, लेकिन तो इसका नाम है फिनाइल। तो दोस्तों हेलो अल्केन, हेलो अल्केन कैसे डिसाइड होता है? अल्केन में तो RH होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हेलोजन से हो गया तो वहाँ पे R के साथ कौन जुड़ गया? X। तो ये हो जाएंगे आपके हेलो अल्केन। अब हमें जा रहा है हेलो एरिन। तो एरिन के साथ हमें किसको जुड़ना है? हेलोजन को, तो इसको बोला जाता है हेलो एरिन। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे जो हेलो अल्केन और हेलो एरिन देखने हैं, इसका नाम नोमेनक्लेचर सबसे पहली चीज़ होगी जो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। वो क्या चीज़ है दोस्तों कि जो आपको समझ में आनी चाहिए? तो नोमेनक्लेचर की बात हम कर रहे हैं तो फिर से एक बार हम देख लेंगे। स्ट्रक्चर आ जाएगा IUPAC एंड कॉमन नेम आएगा। स्ट्रक्चर के लिए हम ले रहे हैं RX, ये सबको पता है, लेकिन अब IUPAC के लिए हम स्लैश के पहले लिखते हैं तो इसको प्रीफिक्स बोला जाता है, एंड इसीलिए इसका नाम होता है हेलो प्लस अल्केन। कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, हेलाइड लगता है इसके पीछे, है ना? तो क्या होता है यहाँ पे? अल्काइल हेलाइड। चलो तो ये दो वर्ड्स से आपको सारा स्ट्रक्चर सब कुछ पता चल जाता है। अब ये -R हमें लिखा गया है, -R कौन हो सकता है? -CH3, -C2H5, -C3H7, मतलब क्या? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, यस और नॉट? तो ऐसे ग्रुप अगर यहाँ पे जुड़ेंगे -AR, इसका मतलब हो जाएगा -C6H5, फिनाइल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैंने CH3 लेके X की जगह क्या लिखा है, मैंने FClBri लिख सकता हूँ ना, तो ये मैंने ले लिया क्लोरीन। तो हम हेलो क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरो, अल्केन मतलब एक ही कार्बन है, सॉरी क्लोरो मीथेन, और यहाँ पे बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम हो जाएगा। तो ऐसे कितने भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ दो आप,
और उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। कभी कभी दोस्तों आपको आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड ऐसा वर्ड दिया है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर हमें इसका नाम नहीं आता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या देखना है, प्रोप, प्रोप मीन्स कितने कार्बन, 3 कार्बन, और उसका 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये कार्बन यहाँ से जुड़ सकता है 1 नंबर से, या तो दूसरा ऑप्शन है 2 नंबर से जुड़ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये 1 नंबर से जुड़ता है तो हम क्या बोलेंगे इसको, भाई नॉर्मल प्रोपाइल बोलेंगे। अगर सेकंड से जुड़ेगा, यही जुड़ेगा, तो इसको आइसो बोला जाता है। इसलिए ब्रोमीन को हम सेकंड कार्बन से जुड़ते हैं तब ये मेरा आइसो बनेगा, बाकी सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आ जाएंगे, CH3 CH एंड CH3। तो नाम से स्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। और भी एक एग्जांपल ऐसा देता हूँ मैं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दोस्तों टर तो लिख लिया, ब्यूटाइल का मतलब होता है 4 कार्बन। अब 4 कार्बन में आपको ऐसा कार्बन फाइंड करना है जो क्या हो, टर्ट हो, मतलब टर्शरी हो। तो क्या करोगे दोस्तों, ऐसा अगर आपको नाम दिया है और आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो क्या करोगे कि सर हम इसके लिए ऐसा करेंगे 1 2 3 और चौथा अगर इसमें ही रखेंगे तो ये तो हमारा 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, इसमें टर्शरी नहीं आता, इसीलिए हमने ये कार्बन को छोड़ के इधर यहाँ पे कार्बन लगा दिया। तो दोस्तों अब आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, जो डार्क की है वो 1 डिग्री, और ये बीच में जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, क्योंकि वो अनदर 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ब्रोमाइड उसके साथ जुड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ा, सपोज़ हियर, तो इसको आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोला जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि जो बेसिक चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ कि भाई आपका MCQ के ये नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया दोस्तों, फिर भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि किसको क्या बोला जाएगा, 1 डिग्री हेलाइड, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अगर आपको कंफर्म करना है तो आप कैसे करोगे मुझे बताओ दोस्तों। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोर ब्रोमाइड वो क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री की 3 डिग्री, जल्दी से बोलो दोस्तों। तो इट इज़ अ 3 डिग्री, क्यों भाई, क्योंकि टर्शरी नाम के अंदर ही उसका गुण लिखा हुआ है ना। और दूसरा अभी आइसो प्रोपाइल मैंने क्लोराइड बोला, ब्रोमाइड बोला, वो कैसा है, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, अगर ब्रोमीन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अनदर 1 कार्बन दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन दिस अटैच विथ अनदर 2 कार्बन इट इज 2 डिग्री, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन ये अटैच विथ अनदर 3 कार्बन इट इज 3 डिग्री। सो वी कैन राइट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन, क्योंकि आपको ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलाइड है बनना है, ऐसा बोलेंगे आपको क्वेश्चन के अंदर, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। फिर एक मैं वर्ड बोल दिया, ये तो मैंने सारे अल्काइल हेलाइड बोले ना मैंने, ये सब क्या थे आपके, अल्काइल हेलाइड आया ना। अब हमें क्या देखना है कि भाई एलाइल हेलाइड,
किसको बोला जाता है? तो दोस्तों सी सी और सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हेलोजन आता है। हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और अटैच विथ अनदर कार्बन, दिस ये वाला हैविंग डबल बॉन्ड, वर्ड देख लेना। वो उसके साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाता sp3 वाले के साथ, लेकिन उस वो दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। इट इज़ कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। दोस्तों सिमिलरली बेंजाइलिक हैलाइड में ये जो डबल बॉन्ड हमने बताया, एक्स हेलोजन, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन अटैच विथ अनदर कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, हुआ कि नहीं? तो वो डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग का हो तो इट इज कॉल्ड अ बेंजाइलिक हैलाइड। और तीसरी बात कौन सी बात? कि भाई हेलोजन कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन अटैच विथ अनदर वन कार्बन इट इज विनाइल हैलाइड। तो ये कॉमन हैलाइड, बहुत सारे हैलाइड्स आपने जो रूटीन लाइफ के अंदर देखते हो, रूटीन चैप्टर के अंदर देखते हो, वो सब ये अल्काइल हैलाइड है। लेकिन ये विशिष्ट टाइप के हैलाइड्स जो है वो आपके एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड विनाइलिक हैलाइड आपको समझने होंगे। ओके है दोस्तों, चलो अगर किसी ने ऐसा बोला राइट द इक्वेशन ऑफ आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो दोस्तों क्या लिखोगे आप? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड का अगर किसी ने रिएक्शन पूछ लिया आपको, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों? तो उसके पहले आपको क्या करना होगा? सर चार कार्बन है, तो चार कार्बन वाली स्कीम तो हमारी एक ये है, दूसरी ये है, यहाँ पे Br आए या यहाँ पे Br आए और या यहाँ पे Br आए या यहाँ पे Br आए, तो ये चार कंडीशन आपकी है दोस्तों। इसको हम 1 डिग्री लेकिन नॉर्मल बोलेंगे, यस और नॉट? इसको सेकेंडरी और इसको आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। क्यों भाई? ब्रोमीन कंटेनिंग, ब्रोमीन से जो लास्ट कार्बन है उसका सेकेंड लास्ट हैविंग वन मिथाइल ग्रुप, सेकेंड लास्ट कार्बन कंटेनिंग वन मिथाइल ग्रुप इट इज आइसो, उसी को ही हम आइसो बोलते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो आपको ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड को ही रिएक्शन में लेना है, ऐसा समझना पड़ेगा, क्योंकि ब्यूटाइल पे बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार आता है और इसीलिए एग्ज़ाम में भी वही ज़्यादा आता है। एक तो प्रोपाइल वाला नॉर्मल एंड आइसो प्रोपाइल और दूसरा ये ब्यूटाइल वाला। देखो दोस्तों इसमें कितने प्राइमरी ब्यूटाइल हैं, ब्रोमाइड प्राइमरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कितने हैं? मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 1, 2, 3 एंड 4, तो कितने हैं दोस्तों प्राइमरी ब्यूटाइल? गिव द आंसर। वेरी गुड, 1। कैसे भाई? देखो ये तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये कितने डिग्री है? 3 वाला।
ये थ्री वाला कितने डिग्री है दोस्तों? 1 डिग्री ही है, तो कितने हुए? दो, और ये 3 डिग्री है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करना है, नहीं करना है, समझना है। नियोपेंटाइल क्लोराइड, तो दोस्तों नियोपेंटेन मतलब 5 कार्बन, उसमें से 3 लीनियर चेन में और 2 उसके ब्रांच में, तो ये लीनियर चेंज आपका 3 हो गया, CH3 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 एंड CH3। तो इससे आपको क्या मिला कि भाई हमें यहाँ पे CH2 एंड हियर इज Cl, दिस काइंड ऑफ हैलाइड इज कॉल्ड अ नियोपेंटाइल। कितने डिग्री होता है नियोपेंटाइल? ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ रहता है। वन डिग्री ही होता है। कैसे दोस्तों? हेलोजन अटैच विथ द कार्बन, हाँ दिस CH2, ओके, अटैच विथ अनदर ओनली 1 कार्बन, सो इट इज़ अ 1 डिग्री। क्योंकि हम यहाँ पे कंफ्यूज होके, बहुत सारे बच्चों ने 3 डिग्री सोच लिया होगा, तो ये थोड़ा सा गलत रहेगा दोस्तों हमारे लिए, तो ऐसा नहीं सोचना है। तो ऐसी चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वो मार्क करनी है, कहीं आप ये गलती तो नहीं करते। चलो उसके दोस्तों आगे जा रहे हैं, ये आपको दे दिया ब्रोमो और बेंजीन, तो इसका नाम क्या लिखते हो आप? ब्रोमो बेंजीन, सबको आता है, वेरी गुड। चलो दोस्तों मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, चलो इसका नाम क्या लिखोगे आप लोग? ये तो आपका ब्रोमो बेंजीन है, तो इसका नाम क्या लिखोगे? वन टू डाई ब्रोमो बेंजीन, सही है, समझ में आया? 1,2-डाइब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, वो भी लिख सकते हैं हम। अरे समझ में आ रहा है दोस्तों? अब यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन आया, तो इसका नाम क्या होगा? ट्राई करो दोस्तों, ये सब कुछ मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप कल एग्जाम देने वाले हो, कल परसों कभी भी। क्या लिखोगे इसको? यस 1,3,5, 1,2,3,4,5,6, 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो दोस्तों ऑर्थो पैरा के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा? दूसरी चीज मैं बता देता हूँ दोस्तों, एक नोट भी कर सकते हो आप लोग कि भाई ऑर्थो एंड पैरा एंड मेटा आर यूज ओनली फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्या मीनिंग हुआ इसका? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ही हम इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? रेडी? क्योंकि उसका नंबर ही बताया 1,2 ऑर्थो का, 1,3 मेटा का, 1,4 पैरा का, तो इसीलिए तीसरा अगर कोई सब्स्टिट्यूशन आया तो उसमें ऑर्थो मेटा पैरा यूज
कभी नहीं कर सकते। और इसका ये कॉमन नेम भी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ IUPAC नेम है, सिर्फ ब्रोमो है। कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि ब्रोमो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे मेटा क्यों बन रहा है, होता है क्वेश्चन ऐसा। नहीं होगा आपको, आपने ये स्ट्रक्चर कहीं देखा है दोस्तों, लेकिन पढ़ा नहीं है। अभी जो आपने चैप्टर पढ़ा है, कौन सा वाला, अमाइंस वाला, उस चैप्टर का आपने जो डाइजोटाइजेशन किया था, मतलब डायजोनियम सॉल्ट बनाया, फिर उसमें से वो N2 और हेलोजन सब निकाल देके उसका रिडक्शन करना है, तो ये पूरा प्रोडक्ट आपको फ्यूचर में मिल सकता है। लेकिन ये हमारे टॉपिक के अंदर है ही नहीं वो वाला, इसलिए हमने अभी देखने का बाकी भी है रिएक्शन भी, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। अब एक वर्ड आता है, कौन सा, जेमिनल डायहैलाइड। और दूसरा विसिनल डायहैलाइड, कौन सा दोस्तों, विसिनल डायहैलाइड। तो दोस्तों ये दोनों में फर्क क्या है, इसमें डाई नहीं सिर्फ हैलाइड भी लिखते हैं, तो अगर ऐसा कंपाउंड है आपका तो इसको जेमिनल बोला जाता है, अगर ऐसा कंपाउंड है आपका तो इसको विसिनल बोला जाता है। तो डेफिनेशन अगर अगर में ही आ गया, हाँ क्या डेफिनेशन हो सकती है, इफ टू सेम हेलोजन एलिमेंट्स आर अटैच ऑन अ सेम कार्बन, दैट इज कॉल्ड अ जेम। ओके, इसीलिए जेम मतलब सेम, सेम कार्बन। अब विसिनल डायहैलाइड के लिए द सेम हेलोजन आर अटैच विद द एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट मतलब अगल बगल में है ना, तो दैट इज कॉल्ड विसिनल डायहैलाइड। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हो। अब यहां पे कि जेमिनल डायहैलाइड इज ऑल्सो नोन एज अल्काइलिडीन हैलाइड और विसिनल डायहैलाइड इज कॉल्ड अल्किलीन डायहैलाइड, अल्किलीन ये कॉमन हो गया, दो कार्बन वाला है तो इथिलीडीन हैलाइड मतलब क्लोरीन है तो क्लोराइड, और इसके अंदर दो कार्बन वाला है तो इथिलीन डाइक्लोराइड हम लिख सकते हैं। दोस्तों 1 डिग्री 2 डिग्री सब पता तो चल गया आपको। चलो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको ऐसे कंपाउंड्स का IUPAC नेम करना चाहिए, समझ में। उसके लिए मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि भाई जितने कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, है ना, दिख रहे हैं ना, जितने भी कार्बन हमें दिख रहे हैं वो सारे कार्बन कॉर्नर्स जितने भी है वो सब पे कार्बन लिखना है, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो था ही था। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे CH और उसके साथ BR और उसके साथ CH3 ऐसा था,
तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ये मिथाइल हम लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन वाली गिनेंगे, चलो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन वाली है, तो फोर, ओर्मिक फाइव कैसे भाई, चलो देखो 1, 2, 3, 4 और ये तो ब्रोमीन है, लेकिन पांचवी जो है वो ब्रोमीन को ब्रांच में ले लोगे तो मिथाइल इज ऑल्सो इन अ मेन चेन, सो इट्स अ चेन ऑफ 5 कार्बन, सो इट्स अ पेंटेन। अब फोर ब्रोमो, फोर पे क्या है, ब्रोमो, पेंट डैश टू डैश इन, तो ऐसा नाम इसका कर सकते हो। बाकी के भी नोमेनक्लेचर इस तरीके से आप करके सीधा लिख के पहले फिर आप उसको फाइनली कर सकते हो। चलो दोस्तों क्लियर है, अब आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अभी तो नहीं आई, लेकिन वो प्रिपरेशन की बात जब हो जाती है तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं इधर, अल्कोहल। तो दोस्तों अल्कोहल में से अगर मुझे बनाना है कौन को, हेलो अल्केन, तो मुझे क्या करना होगा, मैंने एक सब्सटेंस लिया PCl3, दूसरा लिया PCl5, तीसरा लिया SOCl2, तो ये तीन क्या है दोस्तों, अल्कोहल की रिएक्शन इन सब के साथ करेंगे तो अल्काइल हैलाइड ही हमें मिलते हैं। X2 प्लस रेड फॉस्फोरस, ओके दोस्तों, तो ये कर सकते हैं। और लास्ट HCl ZnCl2, तो ये सब रिएक्शन गिव्स RCl, सबके जगह पे OH के स्थान पे Cl आ जाता है, इसको आप अलग से ध्यान में रख सकते हो। कभी आपको ऐसा पूछा, मुझे बताओ दोस्तों आप लोग, कि भाई अगर आपका इथेनॉल इथेनॉल थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देगा, आप लोग बोल सकते हो, इथेनॉल में से हमें क्या मिल जाता है, क्लोरो इथेन, सिंपल क्या मिलेगा हमें, क्लोरो इथेन। मैं आपको बोल रहा हूं कि सपोज आपने इथेन को सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करवाया, क्या मिलेगा, देखो दोस्तों इथेन है हमारे पास, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करवाया, क्या मिलेगा बोलो दोस्तों, तो इसमें ये मिलेगा CH3 CH2, यस एंड Cl, तो ये CH3 CH2 Cl, उधर से H निकल जाएगा और ये क्लोरीन का दूसरा क्लोरीन वो HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को भी हम कह सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये, तो दोस्तों कौन सा रिएक्शन है ये, फ्रीडल क्राफ्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। चलो आगे देख रहे हैं हम, अगर आपने सी डबल बॉन्ड सी लिया है, मतलब कौन लिया है, अल्किन, और एच एक्स का रिएक्शन होता है, मैं एच सी एल ले रहा हूँ या तो एच बी एल ले रहा हूँ, तो दोस्तों ये पूरा डबल बॉन्ड टूटता है कभी भी और एक रख लेता है किसको, हाइड्रोजन को, और दूसरा रख लेता है हलोजन को,
तो ऐसा जुड़ के आपको हेलो अल्केन बन के मिलते हैं। दोस्तों ये रिएक्शन मार्कोवनिक ऑफ होता है। अगर आपने यहाँ पे एक कैटालिस्ट पेरोक्साइड यूज कर दिया, कौन सा, तो एंटी मार्कोवनिक ऑफ हो जाता है। तो ये HCl वाला रिएक्शन, HBr ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन ऐसे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हेलो अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके लिए भी आप लोग समझ सकते हो कि दैट इज योर मार्कोवनी को। दूसरी चीज कि अगर आपने अल्किन ही लिया है लेकिन यहां पे हमने X2 डाल दिया तो क्या बनेगा, तो ये X2 भी बॉन्ड को ही तोड़ेगा ना। मतलब सर ये डबल बॉन्ड वगैरह होता है तो तब हमारी सबसे पहली सोच क्या होनी चाहिए, डबल बॉन्ड को तोड़ के हमें उसको क्या करना चाहिए, हाँ एडिशन रिएक्शन करनी चाहिए, एडिशन होना चाहिए। दोस्तों समझ में आया आपको, आ जाना चाहिए। अब आपको सपोज मैं ऐसा एक रिएक्शन दे रहा हूँ, चलो दोस्तों क्या प्रोडक्ट मिलेगी पहली बात, तो सर ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमें पता नहीं है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पूछा है, आपको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी सोचना चाहिए जब देखते हो तब, कि भाई इसमें क्या है ऐसा कि मुझे पता चल जाए कि ये रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक जा रहा है। प्रोडक्ट बनाना है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई गल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो के CH3 CH2 आई तो बन गया NaBH। नेम ऑफ दिस रिएक्शन उर्मिक, वी वांट द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। आंसर तो सही है, तो ये हो गया फिंकलस्टीन। तो फिंकल आई एसीटोन से नहाई ऐसा लिखा था हमने, नहीं लिखा था तो लिख लेना चाहिए, फिंकल आई एसीटोन से नाई। मतलब क्या हुआ, जो फिंकल थी वो आई, आई मतलब आयोडीन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, एंड एसीटोन से नहाता है, नाई मतलब NaI, NaI के साथ रिएक्ट करेगा। चलो ओके, तो ये चीज़ जो है वो आपको दिमाग में रखनी है, समझनी है, किसी भी वो रिएक्शन को आयोडीन अगर एक्सचेंज करना है तो हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। स्वार्थ रिएक्शन, हेलो अल्केन के साथ और तो कुछ नहीं लेते ना यहाँ पे, AgF के साथ रिएक्शन, तो RF प्लस AgX मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर कोई आपको पूछेगा कि कैसे क्या होता है, दोनों रिएक्शन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, कौन से, फिंकल एंड स्वार्ट्स। चलो दोस्तों क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हम इसको रिवाइज करके हमारा फाइनल प्रोडक्ट गेन कर सकते हैं। सैंडमेयर, एनिलीन 2 क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। चलो एनिलीन में से हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है और ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो सबके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। तो दोस्तों ये कौन सा रिएक्शन करोगे आप लोग, सैंडमेयर ही तो करना पड़ेगा।
सेंड मेयर के लिए आपको पता है कि ये बीच में क्या बनता है? याद आया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो ऐसा अगर बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एनिलीन और उसके बीच में NaNO2। Plus 2H2O। हर जगह पे ये रिएक्शन आ रहा है, सारे चैप्टर्स में आ रहा है। चलो फिर यहाँ पे इसका क्या करेंगे हम? CU2 Cl2 प्लस HCl लिया, तो इसमें से HCl वापस यूज कर लिया, किसमें? इसको प्रोडक्शन करने में। और बाकी का जो था बचा कुचा क्या आपका कौन, तो दोस्तों वो था आपका कौन दोस्तों, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो ऐसा करके हमें ये क्लोरोबेंजीन मिलना, ऐसे ही ब्रोमोबेंजीन भी मिल जाएगा ना, अगर आपने CU2Br2 लिया है यहाँ पे एंड HBr, यू विल गेट हियर ब्रोमोबेंजीन। तो ये डाउ प्रोसेस था, अरे सॉरी सेंड मेयर प्रोसेस है। ये दो रिएक्शन है एक रिएक्शन में। अब यहाँ पे अगर आपने Ki लिख लिया, पोटेशियम आयोडाइड, तो आयोडाइड माइनस एंड Ka प्लस है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन्स निकल जाएंगे, N2+H2O, मतलब आयोडोबेंजीन हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, जितना अच्छे से समझोगे उसके अकॉर्डिंग, उसके एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हुए हैं उसके अंदर, तो उसको भी रिफर किया करो। फिजिकल प्रॉपर्टी को पूरा ओमिट किया हुआ टॉपिक है। केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर अगर हम देखेंगे तो SN रिएक्शन है पहले। तो व्हाट इज SN रिएक्शन? तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन द हेलोजन कंटेनिंग कार्बन एंड हेलोजन इज रिमूव्ड प्लस Cl-। तो ऐसा ही रिएक्शन होता है, आप अपने 300th पेज पे चेक कीजिए। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, किसके लिए? 300 वाला जो चैप्टर टॉप पेज है ना, उसमें वो टेबल दिया हुआ है, टेबल नंबर 10.4। तो रीड इट फॉर अ सम टाइम प्लीज, ओके, रीड एंड देन आस्क मी इफ यू वांट। चलो दोस्तों, आपने सोच लिया होगा कि ये NU की जगह हम ले सकते हैं OH- CN- NC- RCOO-। यस और नॉट? बहुत सारी चीजें हैं, NO2-, उसमें भी ONO-, तो इतने सारे अमाइन अमोनिया सब कुछ ले सकते हैं, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे और वहां पे जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि हम क्या बताना चाहते हैं? यस। और ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो आपके SN2 एंड SN1 है, समझ में आया? यहां तक की जो बातें हमने की वो तो शायद ही आपकी थियरी में पूछा जाए, पूछा जाएगा तो ये भी किसी रिएक्शन के फॉर्म में पूछा जाएगा। इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी है। अगर हमने ये लिया है क्या क्लोरोमीथेन, तो हमें इनिशियली, यस, यहां पे बनेगा OH
और ये बनेगा क्लोरीन। तो दोस्तों अब देख सकते हो आप लोग कि ये इन्वर्जन निपज प्रोडक्ट हमें मिला, और वो इन्वर्जन प्रोडक्ट से हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 और sp2 से वापस sp3 बना। ये एक ही स्टेप में होने वाला रिएक्शन है, और इसीलिए हम बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द ओनली रिएक्टेंट ऑफ एफ दिस रिएक्शन एंड इट इज टू, सो इट इज कॉल्ड अ डाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दो मोलिक्यूल यूज होते हैं, कौन से रेट के अंदर? एक तो ये हो जाएगा और दूसरा खुद OH माइनस होगा। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों समझ में आ रहा है? और आपको SN1 के लिए भी यही फॉर्मूला है, कुछ अलग तो है नहीं। CH3 है, CH3 है, CH3 है, और यहाँ पे क्या बनाना है आपको? ब्रोमीन। फर्स्ट स्टेप के अंदर तो क्या होता था दोस्तों? CH3 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 प्लस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन, उसी को ही ध्यान में लेना पड़ता है हमें यहाँ पे। ये पूरा अच्छे से आप समझोगे, ऑलमोस्ट इजी है, दोनों सिमिलर कंडीशन में वर्क करते हैं, तो उन दोनों को अच्छे से समझना होगा आपको। लेकिन उसके अंदर 1 डिग्री के लिए मैं बता देता हूँ, कार्बन का जितना पॉजिटिव चार्ज कम है उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल है, और स्टेबल है तो वो वापस रिवर्स रिएक्शन नहीं कर सकता। चलो यहाँ पे ऊपर हमने एक बेंजीन लगा दिया, यहाँ पे हमें साइड पे दिख रहा है वहाँ पे बेंजीन लगा दिया, और यहाँ पे बेंजीन लगा दिया, तो ये बेचारा प्लस जो था उसका पॉजिटिव चार्ज वो पूरा कहाँ पे चला गया? यस, बेंजीन रिंग पे चला गया, दो तीनों पे। तो वहाँ पे बहुत कम पॉजिटिव चार्ज बच गया, और इसीलिए व्हाट हैपन दोस्तों, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो किससे ज़्यादा सर? तो दोस्तों ये तीन उसका था, और यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लिया। तो ऐसा करने से भी आपको समझ सकते हो कि भाई स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो ये फिनाइल कार्बोकैटायन, तो ये तीनों तो है बेंजोइलिक बेंजाइलिक हैलाइड है ना ये सब तो। यस, इसकी स्टेबिलिटी के आगे आपका 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री Me+, ये सबको प्लस कर लोगे तो भी आपको तो यही मिलने वाला है ना, कुछ अलग नहीं मिलेगा। तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, और उसी तरीके से अगर हम सोचेंगे, तो अगर आप लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, SN1 होने के चांसेस ज़्यादा है, और लेफ्ट टू राइट जा रहा है, SN2 रिएक्शन इजीली हो सकता है। सबसे ज़्यादा कौन देगा SN2? तो 1 डिग्री, उससे भी मिथाइल कार्बो कहता है। चलो ओके दोस्तों, तो उस तरीके से आपको ये ऑर्डर में भी दिमाग में रखना है। फिर तो ये कुछ वर्ड के अकॉर्डिंग आपको थियोरी पार्ट समझाया है, उसमें से इन्वर्जन रिटेंशन एंड रेसेमाइजेशन आपको करना है। इन्वर्जन होना मतलब पूरा रिएक्शन उल्टा हो जाना, और क्या होना दूसरा भाई? इन्वर्जन होना वो तो हो गया, रिटेंशन होना तो हेलोजन, यहाँ पे एक्स था उसकी जगह वाई आ गया, तो दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। और दोनों का मिक्सचर है रेसेमाइजेशन, 50% 50%, ये समझना है आपको। चलो दोस्तों अब आपको उसकी रिएक्टिविटी जाननी है। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं,
या तो हम अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करें, या तो दूसरी कोई रेखा दिखाई, दूसरी अगर ऑप्शन है हमारे पास तो वो कौन है, एक्वायस KOH। तो ये दोनों में डिफर क्या होता है दोस्तों, ये अल्कोहलिक KOH जो है वो अल्फा और बीटा सिस्टम से जाके बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, यस इट इज अ सब्स्टिट्यूशन एस एन रिएक्शन। चलो अब हम देख रहे हैं इधर क्या हुआ दोस्तों, ये हेलोजन के साथ एक्स और एच के साथ ओ एच, सब कुछ रिमूव हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, अल्किन आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मतलब आपका जो कार्बन है वो एज एसिड रहते हैं वो कुछ रिमूव नहीं हो रहा है, लेकिन आपका हेलोजन निकाल के आर ओ एच को निकाल के सीधा आर सी एल को निकाल के आर ओ एच ला दिया, समझ में आ रहा है। तो ऐसे दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके विथ KOH एंड विथ अल्कोहलिक KOH एंड विथ द दिस। अगर हमने ऐसा वाला हैलाइड लिया और इसमें से ये बीटा एलिमिनेशन करना चाहते हैं तो क्या होगा दोस्तों, आपके पास दो अल्फा, एक अल्फा है और दो बीटा है। चलो तो आपको बीटा का हाइड्रोजन चाहिए ना, तो वो किसके लिए यूज़ करोगे, अल्कोहलिक KOH है तो ये के प्लस कौन लेगा, हेलोजन माइनस, और के ओ एच में से ओ एच माइनस जो है वो एच टू बनाता है बीटा एलिमिनेशन से। तो हमारे पास भी दो रास्ते आ गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो वो रास्तों में कौन कौन है, तो डियर स्टूडेंट अगर 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो ये ऐसा बनेगा, और अगर 2 और 3 के बीच में अगर बनता है तो ऐसा बनेगा। अब कौन सा मेजर बनेगा वो समझाने के लिए अलेक्जेंडर जेत्सेव वो साइंटिस्ट इधर आया, देखो आप उसके पेज पे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। उसने बताया है कि भाई जो डबल बॉन्ड होते हैं अल्किन वाले, उसके सराउंडेड जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है उतना ही वो ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका क्या, बीटा एलिमिनेशन ग्रिगनार्ड। तो दोस्तों आरएक्स है, ग्रिगनार्ड होता है, ग्रिगनार्ड को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है दोस्तों, यस मैग्नीशियम, और वही मैग्नीशियम वो जब रिएक्ट करता है राई इथर में तो आपको क्या मिलता है, आर एम जी एक्स अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। चलो दोस्तों अगर आपको इसमें से ये ग्रिगनार्ड रिएक्शन जो है ना, हेलो अल्केन टू अल्केन, हेलो अल्केन टू अल्केन मतलब हेलोजन निकालना है, तो हाइड्रोलिसिस करते हैं एच प्लस ओ एच माइनस, और इसीलिए आपको क्या मिलेगा इसमें से, ये एक्स और ये ओच निकल जाएगा तो सीधा एच आ जाएगा, और आपका ये पूरा एम जी ओ एच एक्स हमें अलग से मिलेगा बाय प्रोडक्ट। तो ये क्या हुआ, जितने कार्बन वाला हेलोजन है उतने ही सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला हमने क्या लिखा, यस टोटल मिला के उतने ही कार्बन होंगे। चलो वुड्स रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, हाँ सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर डालेंगे
तो ये आर एक्स प्लस आर एक्स ऐसा है ना, इसको संभालना। तो ये अगर ऐसे टूटेगा सोडियम के प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलेगा, आर आर और 2 मोल ऑफ एन ए एक्स। तो हमें जो अल्केन मिला वो डबल कार्बन वाला मिला, फ्रॉम व्हाट, हेलो अल्केन में से, अल्केन विच हैज़ डबल कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आर डबल, तो ये वुड्स हो जाता है। अब बात आ रही है फिटिक, फिटिक के अंदर हमने फिनाइल लिया और क्लोरो लिया, तो 2 मोल क्लोरो वाले फिनाइल को लेके आपने सोडियम एंड ड्राई इथर लिया, तो जैसे उसमें 2 अल्काइल चिपक गए थे वैसे यहाँ पे कौन चिपकेगा, ये चिपकेगा, बाई फिनाइल बनेगा। दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्लोरो बेंजीन, तो ये फिनाइल फिटिक हुआ, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स के अंदर अल्काइल हैलाइड यूज होता था 2 मोल, फिटिक के अंदर 2 मोल एराइल हैलाइड यूज होता है, तो वुड्स और फिटिक के अंदर 1 मोल अल्काइल हैलाइड एंड दूसरा मोल फिटिक यूज होगा, और इसीलिए आर एक्स प्लस एराइल हैलाइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका बेंजीन है उसके ऊपर सीधा आर लग जाता है। तो ऐसे आपको लॉजिकली सोचना है और नोट डाउन भी करना है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर। तो समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों कि कैसे क्या हो जाता है वो। अब उसकी रिएक्टिविटी की बात हो रही है तो सबसे पहले तो हमें एक प्रोसेस शायद याद हो आपको, नाम तो लिखा नहीं हमारे यहाँ लेकिन हमने आपको बताया था डाउ प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, चलो क्लोरोबेंजीन कैसा होगा दोस्तों, सीएल, और उसमें से आपको फिनॉल बनाना है। चलो सपोज मैंने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो वो करना ही पड़ेगा ना सीधा, तो लेकिन इसमें से क्या बनता है, बेंजीन पे ONa सोडियम फिनोक्साइड, फिर दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना पड़ रहा है, एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे वहाँ पे क्या मिल जाएगा, OH। और टेम्परेचर और प्रेशर सबसे ज़्यादा है यहाँ पे 23 केल्विन एंड 300 bar, या तो ATM प्रेशर होता है। इतनी कठिन कंडीशन के अंदर आपका क्लोरो को सब्स्टिट्यूट OH कर सकता है। दूसरी चीज, अगर इसके अंदर NO2 आया तो ये कंडीशन माइल्ड हो जाएगी थोड़ी, देखो तो, हाँ या ना, और 2 NO2 आए तो और माइल्ड होंगे, और दोस्तों 3 NO2 आए तो आपको पता चला कि ये तो पानी में रिएक्शन हो जाता है। इसके लिए नो प्रेशर नो एनी टेम्परेचर आर यूज्ड, सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर एंड वट विथ वाटर इट गिव्स द पिक्रिक एसिड। द एसिड विच कैन नॉट कंटेन COOH ग्रुप इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, जिसके पास COOH नहीं होता फिर भी उसको एसिड बोला जाता है, बाकी सब के पास होता है दोस्तों। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो मुझे लग रहा है कि वो तो ओमिटेड पार्ट है आपका, है ना, पूरा निकाल दिया हुआ है, उसको हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। वुड्स फिटिंग हमने देख लिया, फिटिंग भी देख लिया, तो दोस्तों
ये सारी चीज़, और जो डाई हेलोजन कंपाउंड है वो भी निकाल दिया है। तो जो जितना मैंने डिस्कस किया है आपको, उतनी चीज़ आपको अच्छे से अंडरस्टैंड। करनी चाहिए आपको अंडरस्टैंड। यस, समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों इधर, चलो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है और आपको कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है। चलो आप टेक्स्ट बुक का 10.14 निकालो। उसमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो पूछा मैं आपको पूछने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा है उसमें CH3 CH2 CH2 Cl प्लस NaI और एसीटोन एंड हीट। तो दोस्तों आपको पता है ये अल्काइल हैलाइड में NaI और एसीटोन आता है तो क्या बनता है। तो अभी तो हमने लिखवाया था कि एसीटोन और NaI, NaI मतलब नाई, नाई आया तो कौन आया, फिंकल आई, तो ये फिंकल स्टेन रिएक्शन है। तो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयोडीन होगा उधर। बच्चों समझ में आया। चलो दूसरा ऑप्शन देखो, CH3 थ्राइस CBr प्लस KOH इथेनॉल एंड हीट। चलो कोई बच्चा बोल पाएगा कि ये रिएक्शन कौन सा है। समझ में आ रहा है आपको मैं आपको क्या पूछना चाहता हूँ। राइट, इट्स अ बीटा एलिमिनेशन। हमने इथेनॉल देखा, इथेनॉल के साथ KOH है ना, इसीलिए बीटा एलिमिनेशन। अब क्या होगा वो आप खुद सोचो। दोस्तों ये सारे रास्ते हम बता रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। जितना अंडरस्टैंडिंग खुद करोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही जल्दी से ये रिवाइंड होता रहेगा। थर्ड देखो, CH3 CHBr CH2 CH3। तो दोस्तों उसका रिएक्शन हम कर रहे हैं NaOH एंड वाटर के साथ, ये कौन सा रिएक्शन है। ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। कौन सा, हाइड्रोलिसिस। तो ये हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होता है, सीधा हेलोजन निकल के वहां पे क्या आएगा, OH आएगा, सीधा OH आएगा, और इसीलिए जो Br है उसकी जगह OH आ जाएगा। ये तो दोस्तों आपको मैंने पहले बताया ना, KOH आपने एक अल्कोहलिक KOH भी लिया और दूसरा क्या लिया, अल्कोहलिक KOH भी लिया और एक्वायस KOH लिया। तो एक्वायस में होता था सब्स्टिट्यूशन और अल्कोहलिक में होता था बीटा एलिमिनेशन। तो ये है, तो आपको पहचानना है रिएक्शन को क्या करना है, आपको पहचानना है। चलो CH3 CH2 Br KCN के साथ रिएक्शन, इथेनॉल लिया है तो KCN के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, सीधी सी बात, सीधा Br निकल के उधर CN आ जाएगा। वो आपका टेबल 300 वाले पेज पे 10.4 वाले टेबल में जो है वो आपको समझाएगा ये कि KCN लिया है तो वहाँ पे साइनाइड आएगा। अगर AgCN लिया होता, क्या लिया होता, AgCN, तो आइसोसाइनाइड बन जाता। चलो आगे, C6H5ONa प्लस C2H5Cl। ये तो सीधा सा उसमें उसका ONa में से Na और इसका Cl निकल के क्या बनेगा, C6H5O C2H5, इथर बनना, इथरिफिकेशन भी बोल सकते हो इसको। चलो फिर उसके बाद CH3CH2CH2OH प्लस SOCl2, जो लिस्ट आउट हमने सबसे पहले लिखवाया है आपको, कौन सा लिखा हमने, कौन सा लिखा दोस्तों।
तो हमने लिखा है दोस्तों SOCl2 वाला रिएक्शन, SO2 प्लस HCl निकल जाता है, तो हमें क्या मिल गया उधर, OH की जगह Cl आ जाता है, तो क्या मिलेगा हमें, क्लोरो मिथाइल मिलेगा ना, क्लोरो, यस, किसकी जगह, OH की जगह। चलो फिर आपको बताया AC1 वाला, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब पेरोक्साइड वर्ड दिया है यहाँ पे, तो ये साला पेरोक्साइड क्या है, तो ये कैटलिस्ट है, और ये H, चलो पेरोक्साइड नहीं है तो क्या सोचोगे, इफ देयर इज नो पेरोक्साइड देन ये रिएक्शन क्या है, डबल बॉन्ड में HX ऐड करना, देखा आपने, उसको हम लोग मार्कोवनिकॉफ बोलते थे, तो पेरोक्साइड अगर यूज़ किया तो हमारा एंटी मार्कोवनिकॉफ। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्कोवनिकॉफ में प्रोडक्ट क्या मिलती है, विच प्रोडक्ट विल वी गेट इन अ पेरोक्साइड, चलो मार्कोवनिकॉफ नॉट इन अ पेरोक्साइड, तो दैट इज अवर, देखो मैं बताता हूँ मार्कोवनिकॉफ का रूल, आपका डबल बॉन्ड वाला अल्किन रिएक्ट विद HX, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ HX कौन होगा, HBr में Br- है ना, X हेलोजन होगा, इज अटैच विथ द कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, तो वो है आपका मार्कोवनिकॉफ। तो एंटी मार्कोवनिकॉफ में क्या होगा कि Br अटैच विद द मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे। और उसके नीचे जो है वो कौन सा रिएक्शन है, एट वाला, एट, वो रिएक्शन का नाम क्या है, सीधी सी बात, अल्किन है और एच बी आर हुआ, तो इसका नाम है मार्कोवनिकोव, समझ गए। तो जितना हमने रिवाइज किया है वो पूरा यहां पे ही तो है कि नहीं, और भी आगे देखो, एग्जाम्पल 10.22, एन ब्यूटाइल क्लोराइड टिट्रेट विथ द अल्कोहलिक KOH, बोलो ये क्या हुआ, अल्कोहलिक KOH में तो बीटा एलिमिनेशन हुआ, अभी ये तो देखा हमने पहला वाला, कंफ्यूज। तो चार पांच बातें ही आपने ये चैप्टर में, मैंने ये वीडियो के अंदर बताई है, तो उतनी बातों को आप मेजर करो कि इफ यू हैव अल्कोहलिक KOH और सामने हेलो अल्केन, देन यू मस्ट रिमूव बोथ द एलिमेंट ऑफ द एडजेसेंट कार्बन H एंड OH और H एंड Cl एंड बिकम अ डबल बॉन्ड। चलो सेकेंड, ब्रोमो बेंजिन इज ट्रीटेड विथ Mg इन द प्रेजेंस ऑफ इथर ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्या होगा यहाँ पे, चलो हो गया, तो ये बेंजीन रिंग पे Br है, तो Mg के साथ रिएक्ट करेगा, तो बेंजीन रिंग पे MgBr हो जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और फाइनली हाइड्रोलिसिस होके उसका क्या बनेगा, बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन में से बेंजीन बन जाता है। चलो क्लोरो बेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, कौन सा रिएक्शन, अभी देखा डाउ प्रोसेस,
ये आपके उसके अंदर है ना, क्लोरोबेंजीन में से फिनॉल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वायस सॉल्यूशन, एक्वायस QH। तो ये कौन सा हुआ, वापस वो एक्वायस QH आया तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, हेलोजन निकल के उधर OH आ जाता है सीधा। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद द सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, तो ये वुड्स हो गया। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद द KNC, चलो KCN के साथ अगर रिएक्शन हम कर रहे हैं तो सीधा Cl की जगह क्या आ जाएगा, CN आ जाता है, तो वो सब हमने देखा हुआ है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम चैप्टर्स को रिफर करेंगे तो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो बच्चों क्लियर है, इतने सारे कन्वर्जेशन है आपके, वो भी करोगे तो ये चैप्टर पूरा आपका क्या होगा, कन्वर्जेंस पूरा भरा पड़ा है इसके अंदर, तो आप अच्छे से कर सकते हो। आपको हेलाइड को कौन सा लेना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ऐसा भी बोल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोज 10.21 लिखा है ना, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड C4H9Br, चलो इसके मुझे प्राइमरी अल्काइल हेलाइड बना के दो, कितने बन सकते हैं और कौन से कौन से। C4H9Br के प्राइमरी अल्काइल हेलाइड बनाओ, जल्दी से बोलो दोस्तों कितने बन रहे हैं। दो बन सकते हैं, हाँ दोस्तों, नॉर्मल एंड आइसो, वो दोनों 1 डिग्री होंगे, तो वो दोनों में से कोई एक है ए जिसको हमें फाइंड करना है। ये पूरा इक्वेशन समझोगे तो ये भी क्वेश्चन आपके MCQ बेस पे ज़्यादा आने के चांसेस है। तो दोस्तों ऐसा आपको ये चैप्टर कवर हो गया है ना, यस। तो बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट सेशन में रखेंगे, ओके। अभी अभी आप लोग अपना खुद का काम करो। हाँ, अगर किसी बच्चे को स्पेसिफिक कुछ डाउट्स है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे कि सर ये चैप्टर में ये टॉपिक में डाउट्स है, तो हम उसी को ज़्यादातर फोकस कर लेंगे। बाकी चैप्टर वाइज रिवीजन हम ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा सा धीरे से और अच्छे से हो जाए, आपका रिफ़र भी हो जाए, समझ में भी आ जाए, इसीलिए। तो वो मुझे पर्सनली बेटा आप लोग भेज देना जो जो आपको डाउट्स है वो, तो मैं आपको सॉल्व करवा लूँगा उसको, ओके। थैंक यू दोस्तों।